और अगर नहीं चुनौतियों का रास्ता अपने आना होता तो हम लोग भी किसी गठबंधन के गोद में बैठकर के आगे की रणनीति तय करते। ये राजनीति करने का मन और राजनीति करने के लिए सबों के साथ बैठना और सबों को साथ लेकर चलना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कि सब लोग तो कहते हैं कि नहीं हम बहुत आगे चले जाएंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, लेकिन चाहे वो गठबंधन हो और महागठबंधन हो, दोनों ही घरों में जाइए, गांव में जाइए, इन दोनों का स्तर कहाँ है इनको देखिए, ये कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये एक क्या कहेंगे, एक समतवादी व्यवस्था के पर्याय लोग हैं। कभी भी हमारे बक्सर लोकसभा में विकास के नाम पर कोई काम इन्होंने नहीं करने का काम किया और कहते हैं कि मोदी ने आप पर वोट दे। एक व्यक्ति है जो बोलते हैं कि मोदी जी के लिए वोट दे दीजिए और एक व्यक्ति है जो कहते हैं लालू यादव जी के लिए वोट दे दीजिए। तो मोदी यादव जी कहते हैं कि मोदी जी के लिए वोट अगर देने की जरूरत होगी तो मोदी जी हमारे ईवीएम में है नहीं। 15 प्रत्याशी है, आप सभी जानते हैं, उस 15 प्रत्याशी में कोई नरेंद्र मोदी तो है नहीं, तो फिर मोदी को वोट यहाँ कैसे पड़ेगा। तो यहाँ सांसद का चुनाव है और जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस संविधान को सांसद बनाना है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, ये सांसद का चुनाव है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर वादी हैं, हमें सांसद चुनने की जरूरत है कि हम पहले सांसद चुने और सांसद जब चुनेंगे तो सांसद मिल बैठ कर तय करना है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। और अभी हम हमारे जो वर्तमान सांसद है वो कह रहे हैं कि मोदी जी को चुन लीजिए, पूर्व सांसद है वो कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता है, तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी तो अभी जेल में बंद है, तो क्या बक्सर के सारे लोग जेल में बंद होने की जरूरत होनी चाहिए। अगर नेतृत्वकर्ता जेल में बंद है तो कैसे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो इस विकास के रास्ता को खोलने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और बक्सर जो विनाश के द्वार पर खड़ी है उस विनाश के द्वार को बंद कर विकास के द्वार पर ले जाने के लिए हम लोग एकत्रित।